I am now going to invite our Honorable Minister of MSME and beloved Chief Guest, Shri Kalraj Mishra, to address the gathering. इंडिया एसएमई फोरम की तरफ से आयोजित एमएसएमई से संबंधित सभी उद्यमियों से विचार विमर्श करने वाले इस सम्मेलन में उपस्थित श्री विनोद जी, श्री प्रवीण जी, श्री अजय जी, श्री रोहित जी, ठीक है, श्री प्रहलाद जी, श्री मोरल जी, श्री श्यामल जी और यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी बंधुगण, बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ इंडिया एसएमई फोरम के द्वारा एक ऐसा आयोजन किया गया है जिसके अंतर्गत एमएसएमई को आगे बढ़ाने के दृष्टि से क्या क्या करना आवश्यक है। जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और साथ ही साथ जो भी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो, दोनों के हिसाब से उनको कैसे अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है, इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज, डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टार्टिंग अप, ये विषय था। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो आपके विभिन्न सेशन हुए हैं उन सेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें विद्यमान रही हैं और ये बहुत स्वाभाविक है कि आज जो लघु उद्यमी हैं इनके बीच में बैठकर विचार करना, किस तरीके से अधिकाधिक निर्माण कार्य हो सके और वो भी निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त हो, क्वालिटी से युक्त हो, ग्लोबल मार्केट में हम कैसे कंपीट कर सकें और आज के मंदी के दौर में भी ग्लोबली जो एक मंदिर का दौर विद्यमान है, इस मंदिर ये मंदी के दौर में अपने परिश्रम और अपने निर्माण के आधार पर हम यहाँ की आर्थिक स्थिति को किस तरीके से इस ढंग से करें जिसके कारण मंदी का यहाँ प्रभाव ना हो सके। और मैं विश्वास साथ कह सकता हूँ कि विश्व के अंदर जो मंदी का दौर चला, उस दौर में भारत, अगर मैं कहूं कि प्रभावित नहीं हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये आपके कारण हुआ और मंदी के दौर के कारण यहां किसी प्रकार की क्षति हुई, हानि हुई, ऐसा नहीं। तो उसमें भी जीडीपी में हमने बढ़ोतरी करने में अपना योगदान किया है, जो 7.6% की जीडीपी थी वो 7.9% बढ़ाया है हमने। और ये सब लघु उद्यमियों को श्रेय जाता है और बड़े उद्योगों को तो नहीं जाता, इतना मैं कह सकता हूं।
ऐसे समय में मेक इन इंडिया एक अवसर है, क्या करना क्या नहीं करना, मैन्युफैक्चरिंग हब के दृष्टि से किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करना, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किस ढंग से निर्माण करना, ग्लोबल मार्केट में हम किस तरीके से कंपीट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को आत्मसात करना, इन सारे विषयों पर विचार करने की जो आज यहां प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगभग 50% का इसका योगदान है, इससे ज्यादा का भी है। एक्सपोर्ट के अंदर 42% का योगदान है, जीडीपी के अंदर 7.8% का योगदान है, और अगर सर्विस सेक्टर भी इसमें जोड़ लिया जाए तो 37.8% का योगदान है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इस समय कम से कम 10 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, यूनिट्स हैं बहुत, लगभग 4 करोड़ के आसपास एमएसएमई की इकाइयां हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि उसमें केवल 22 लाख या 25 लाख रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें काफी निष्क्रिय भी हैं, और उसमें 16 लाख 17 लाख रजिस्टर्ड हैं। यह एक स्वरूप को दर्शाता है, इस बात को तो बताता है कि अगर इसको इनकरेज किया जाए तो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से सर्वोच्च स्थिति का अगर कोई निर्माण कर सकता है तो एमएसएमई ही कर सकता है और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं कर सकता है, इस बात को संदेश देता है। और ऐसी स्थिति में जहां जिस प्रकार की सुविधा चाहिए उस प्रकार की सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही है, उसके बावजूद भी आपके डेडिकेशन के कारण, आपके समर्पण के कारण, आपके परिश्रम के कारण और आपके अंदर जो लगातार इनोवेटिव आइडिया विद्यमान होती है और उसको अपने यूनिट के अंतर्गत उपयोग करते हुए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उस प्रतिभा जनित जो इनोवेटिव आइडिया है उसको लगाकर लगातार काम करने के कारण, इसके कारण आज ये स्थिति विद्यमान हुई है। अब हम इसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की बात की है, और मेक इन इंडिया के पहले उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की थी, लेकिन मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि यहां आकर इन्वेस्ट करो, उद्योग लगाओ, बाहर के अप्रवासी भारतीय हो तो भी यहां आओ, यहां उद्योग लगाओ। बहुत से लोगों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि एफडीआई से यहां इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ आलोचक थे इसके, तो प्रधानमंत्री ने उस समय बड़ी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी थी कि एफडीआई का मेरा तात्पर्य है फर्स्ट डेवलप इंडिया, एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, वो होगा मेक इन इंडिया। ठीक है, मेंटिलेशन से बाहर के लोग हैं वो यहां अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हम तो मेड इन इंडिया बना रहे हैं, मेड इन इंडिया बाहर के हैं, मेड इन इंडिया बनाकर दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया के स्वरूप को हम जागृत करेंगे। तो एक अवेयरनेस पैदा किया,
और उस अवेयरनेस का फायदा ही हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, उनको कैसे वो रॉ मटेरियल और कैपिटल, ये तो एक अलग प्रश्न है, वो तो लगातार रहा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, हम ठीक से कंपीट कर सके, दुनिया के अंदर सीना तान कर कह सके हमारा माल अगर जाता है तो रियली इट इज मेड इन इंडिया है, ताकि लोग देख कर कहें कि हिंदुस्तान का बना हुआ माल खराब नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का बना हुआ माल मानक के अनुसार होगा, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। एक अवेयरनेस पैदा हुआ और उस अवेयरनेस के कारण ही जो मेक इन इंडिया अपॉर्चुनिटीज डूज एंड डोंट्स की जो बात की, मैं ऐसा अनुभव करता हूं डूज और डोंट्स क्या करना क्या नहीं करना, किसके करने से हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी हो सकती है, हम सस्ते आधार पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, समुचित तौर पर रॉ मटेरियल्स भी हमें प्राप्त हो सकता है, हमारा कैपिटल है कैपिटल भी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है, क्या करना चाहिए, कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रदूषण हो, हम अपनी फैक्ट्री लगाए हुए हैं चारों तरफ दुर्गंध से लोग व्याप्त हैं, पोल्यूटेड एटमॉस्फियर है, पोल्यूटेड वाटर है, दुर्दशाग्रस्त स्थिति है, उसमें भी निर्माण कार्य ठीक से नहीं, ये डोंट के अंदर आधार है। फिर इसके लिए क्या करना, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्किल्ड मैन पावर इज मस्ट, आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, बार बार कहते हैं हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, स्किल मैन पावर माने काहे के लिए स्किल्ड बन पा रहा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए तो ढंग का व्यक्ति चाहिए, और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात की गई, स्किल डेवलपमेंट की बात ही नहीं की गई तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही अलग से कर दी गई, ताकि हर ट्रेड के हर विधा का ढंग से ट्रेनिंग हो सके, चाहे क्लास 10th पास हो चाहे क्लास 8th पास हो, उसका भी स्किल डेवलपमेंट, मशीन पर स्किल डेवलपमेंट, हैंडऑन जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट की स्थिति होती है उसको हम करें, और चाहे बीटेक एमटेक हो उसका भी हो, हाई टेक्नोलॉजी का हो, सबका स्किल डेवलपमेंट। आपने देखा होगा कि स्मॉल लार्ज एंड आप लोग भी शायद करते होंगे, अभिषेक लार्ज इंडस्ट्री का मैंने देखा है, मीडियम का देखा है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं अगर वो किसी को एम्प्लॉय करती हैं, भले इंजीनियरिंग किया हुआ हो अच्छा है डिग्री बहुत अच्छी है, तो भी स्किल डेवलपमेंट के लिए 4-5 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, बगैर स्किल डेवलपमेंट के उसको वहां नहीं रखते। स्किल डेवलपमेंट आवश्यक है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको स्किल इंडिया की बात कह करके स्किल डेवलपमेंट की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया। इसी में से जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट होगा, जीरो इफेक्ट अर्थात गुणवत्ता युक्त माल का निर्माण और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, और जीरो डिफेक्ट अर्थात दोष मुक्त हो, शून्य दोष वाला हो। इसके लिए हमें क्या, फिर हमारे मंत्रालय ने इस संबंध में काम किया कुछ, हमारे मंत्रालय ने कहा कि अगर ठीक से गुणवत्ता युक्त निर्माण करना है, ग्लोबल मार्केट में हमें कंपीट करना है, तो कुछ हम स्कीम्स लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए हम सहयोग भी करते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीटिव प्रोग्राम हमारी एक स्कीम है, NMCP नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीटिवनेस प्रोग्राम,
इसके नौ कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है उसका नाम है डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी। डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी आवश्यक है, बगैर उसके आप ठीक से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अगर पीसीयूस को कुछ लेना है, आपसे खरीदना है, तो जिस चीज के लिए वो पीसीयूस आपसे लेंगे या लार्ज इंडस्ट्री आपसे लेगी, तो अपने अनुसार वो निर्माण कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। उसके लिए डिजाइन क्लिनिक, वो डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल मार्केट में डिजाइन क्लिनिक टेक्नोलॉजी का ढंग से उपयोग अगर किसी ने किया और मास साइकोलॉजी को इंडस्ट्री के क्षेत्र में देखकर मार्केट में क्या स्थिति है, उसके अनुरूप डिजाइन की स्थिति निर्माण की, तो एक अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकता है। और साथ ही साथ सस्ता भी हो, लगे अच्छा हो, इंडस्ट्री है तो ठीक से चले, कौन सी चीज कहां लगाना, किस सामान को कहां रखना, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत एक ही जहां तो सारी चीजें बनती नहीं है, कुछ यहां बनेगी, कुछ वहां बनेगी, कुछ वहां बनेगी, तो उन स्थानों पर कौन सी चीज रखना सिस्टमेटिक तौर पर, अगर उसको ढंग से किया तो सस्ता भी होगा, टेक्नोलॉजिकल बड़ा मजबूत होगा। और उसको हमने कहा लीन टेक्नोलॉजी। लीन टेक्नोलॉजी, लीन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो क्वालिटी को बढ़ाती है। लीन टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सही चीज को सही स्थान पर प्रस्तुत करते हुए आपके कास्ट में कमी करती है और आगे चलकर एक अच्छी स्थिति का निर्माण करती है। और इसी में से निकला कि अगर इस ढंग से है टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन की बात की गई, टेक्नोलॉजी हमारी क्वालिटी से युक्त है कि नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग ढंग से कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन है कि नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल क्वालिटी अपग्रेडेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग होगी अच्छी होगी, और उसी के बाद आप जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया है वो जो देखता है सारी बातें करता है, तो उसी में से आप ही के द्वारा होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको QMS हम कहते हैं, टेक अप QMS, और अच्छा हमारा निर्माण कार्य हो, बढ़िया हो, ट्रेंड लोग अच्छे आए, इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ने एक स्किल डेवलपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी के स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम बनाया है। और हमने ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं, इंडस्ट्रीज हैं वहां हमने टेक्नोलॉजिकल सेंट्रल सिस्टम प्रोग्राम TCSP जिसे पहले टूल्स रूम कहते थे, हमने इसको जगह जगह स्थापित किया है 18 स्थानों पर, और उसमें MSc, BCom, MSc, MBA, BTech, MTech ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका वहां करते हैं, और वहां भी हैंड ऑन होती है, बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े क्षेत्र, चाहे डिफेंस हो, चाहे एविएशन हो, चाहे शिपिंग हो, इन लोगों के हम उसकी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हुए, उसमें डिजाइन टेक्नोलॉजी का भी रहता है, इसकी ट्रेनिंग देते हुए उसको हम तैयार करवाते हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी हमारे इंजीनियर्स, जो मंगलयान था हमारे भुवनेश्वर का इंजीनियर गया था, सारा किया था, और अभी स्पेस में जो चीजें हुई हैं, अभी भी हमारे बेंगलोर के कुछ छात्रगण, पुणे के कुछ छात्रगण जाकर उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किए हैं। ये बड़े बड़े स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम
जिसको हमने टेक्नोलॉजिकल सेंट्रल सिस्टम प्रोग्राम के रूप में कहा है, टूल्स रूम, ये जगह हम करते हैं, उसमें कॉमर फैसिलिटी सेंटर्स भी और साथ ही साथ R&D भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इस आधार पर कॉमर फैसिलिटी सेंटर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हुए ग्लोबल मार्केट में कंपीट करने के लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, उसके लिए हम इतना सारा कार्य कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये ढंग से चीजें हुई तो सही माने में मेक इंडिया के कॉन्सेप्ट को हमने ठीक से किया है, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। यहां आप जितने लोग हैं सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं और प्रभावी तौर पर कर रहे हैं। कभी कभी लोग कह रहे हैं कि साहब हमें कुछ चीजें मिलती नहीं है, प्राप्त नहीं होती। अगर हमने CPCU से बात की कि भाई तुम MSME से निर्माण किए हुए माल को खरीद नहीं रहे हो, क्योंकि हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत 20% हमने कहा कि APCUs खरीदेंगे। 1 अप्रैल 2015 से हमने मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन कई बार उन्होंने शिकायत की जैसा हम चाहते हैं वो नहीं बन रहा है, तो हमने आग्रह किया कि ठीक है, जो विक्रेता है, जो सामान लेकर बेचता है, वेंडर है, ये वेंडर डेवलपमेंट के कार्यक्रम करो आप, जो भी आपको आवश्यकता पड़े उद्योग, हमारे जो एंटरप्रेन्योर यहां बैठे हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि जो भी जिस भी क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर उनको बता दिया जाए तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे, इतना मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। हम आपकी बात करते हैं तो मान के नहीं चलते, जैसे बहुत से लोग पहले जब हम सरकार की सारी योजनाओं को देखे और देखने के बाद लगा कि इतना लेंथी प्रोसीजर है कि उस लेंथी प्रोसीजर में लोग मर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराना है तो दौड़ो भागो, पता नहीं कितने देर तक लगेगा। कोई हमारे यहां स्फूर्ति प्रोग्राम है, एक क्लस्टर का प्रोग्राम है, अब इसको कराने में कितना समय लगता है, 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष लग जाते हैं, क्यों आखिर लगता है? लगता है कि हम मान के चलने के लोग बेईमान हैं। जब मान के चलने बेईमान है तो 50 फाइल घुमाओ, यहां जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये सोच ही गलत है। अरे जो डेडिकेटेड होकर काम कर रहा है देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए आप नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है उसमें से आपकी आजीविका चलती है, लेकिन आप तो काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, आप तो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, आप तो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान का माल दुनिया के अंदर इस तरीके से बने कि सीना तान के लोग कह सके और हम भी कह सके इट इज मेड इन इंडिया और बनाया है हमारे एंटरप्रेन्योर ने, आप तो इसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए, आपके ऊपर विश्वास करना चाहिए। और जब विश्वास करना चाहिए तो उसके अनुरूप योजनाएं बनानी चाहिए, उसके अनुरूप प्रोसीजर तय करना चाहिए। इतना लेंथी प्रोसीजर तय कर दिया गया तो लोग उसे मर जाते हैं, चाहे लोन का मामला हो, बैंक वाले होंगे, हम नहीं उस पर कुछ करना चाहेंगे, त्रस्त हो जाते हैं। हमने उसमें कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से किया है, हमने पहले यह किया कि रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी दिक्कत जा रही है तो हमने कहा ऐसा काम करो कि जो वेब पोर्टल पर हो सुनिश्चित बिंदु हो उसके, जिसके अंदर पूरी जानकारी हो, जो 100-200 पेजेस पढ़ने पड़ते थे, क्वेरी की जाती थी, उसकी कोई जरूरत नहीं, 1 पेज 20 पॉइंट्स वेब पोर्टल, आप उसको फिलअप करिए, क्लिक करिए, विद इन 10 मिनट्स यू विल गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, 10 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर लेंगे, ऐसा तो मैं समझता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिसाब से हमने कहीं नहीं देखा है। 6 महीने हुए और 6 महीने के अंदर 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया है, जबकि इतने वर्षों में 4 करोड़ यूनिट है जिसमें 17 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी ईजी हो गई है, अब कोई दलाल नहीं आएगा, बिचौलिया नहीं आएगा खाने के लिए। इसी तरह से क्लस्टर जो डेवलपमेंट है उसमें अनेक प्रकार की दिक्कतें,
वो डायग्नोसिस स्टडी है तो वो सॉफ्ट इंटरवेंशन है तो हार्ड इंटरवेंशन है तो मेथडिक इंटरवेंशन है, ये 50 इंटरवेंशन है उसमें पड़ जाता है। हमने कहा उसमें से निकालो सब, ठीक है सॉफ्ट इंटरवेंशन हो गया, फिर हार्ड इंस्ट्रूमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो और कॉमर्स फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट करो। ये हो रहा है, शुरू कर दिया हमने, सूरती है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ये योजना है हमारी, और उसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया थी। हमने कहा एकदम इसको कम करिए, और अभी दो दिन पहले हमारे हैदराबाद में हमारे सेक्रेटरी मीटिंग ली थी, उसको काफी कम कर दिया है। अब कई स्फूर्ति की योजनाएं थी, दो 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 तीन तीन वर्ष में तय होती थी, उसको तय करके कहा कि ठीक है आप पैसा लीजिए काम करिए अपना। हम विश्वास करना सीखे, हम आप पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के आधार पर इस प्रक्रिया को विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। समय समय पर आप लोगों से विचार विमर्श करते हुए क्या क्या नीतिगत परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या और भी सारी चीजें हो सकती हैं, इसको हम करने का प्रयास करेंगे। हम एमएसएमई पॉलिसी जल्दी ला रहे हैं, देर इसलिए लगा है कि हमने वेबसाइट पर दिया था, बहुत सारे सुझाव आए थे, 3-4 हजार से ज्यादा सुझाव आए थे, और उसमें प्रभात कुमार जी जो हमारे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वन मैन कमेटी है, वो काम करना शुरू कर दिए हैं, एसोसिएशन से भी मिल रहे हैं, और अक्टूबर में वो एमएसएमई पॉलिसी आपके बीच में आ जाएगी, इंटीग्रेटेड तौर पर विचार करते हुए आएगी, ऐसा नहीं है कि एक तरफा, ताकि हर दृष्टि से आपको लगे कि सक्षम नीति है। जहां तक बाकी डिफिनेशन के बारे में बताया हमारे शिवा विनोद जी ने, उस पर हम विचार कर रहे हैं, गवर्नमेंट विचार करेगी। और हमने एक और चीज, जो एमएसएमई जो उद्यमी है फर्स्ट जनरेशन, और जिसको लगता है हमें एनपीए हो रहे हैं, तो हमने कहा बड़े इंडस्ट्री के लिए तो एनपीए न होने पाए उसके लिए कहा गया है, विचार करते हैं इनके लिए क्यों विचार हो। तो हमने नोटिफिकेशन जारी किया, और नोटिफिकेशन है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। पहले रिजर्व बैंक इंडिया ने थोड़ा सा आपत्ति लगाई थी, लेकिन हमारी स्वयं की बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई एनपीए होने जा रहा है, वो कहता है भाई हम एनपीए हो रहे हैं हमारे विचार करो, तो बैंक को विचार करना पड़ेगा। 10 लाख का है तो जनरल मैनेजर ठीक करेगा, और 10 लाख से ऊपर का है तो करेक्टिव एक्शन प्लान कमेटी बनेगी, आप में से कोई रहेगा, बैंक से रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होगा, हमारे सेंटर का भी प्रतिनिधि होगा, उस पर विचार करते हुए अगर एनपीए हो रहा है तो उसको अवसर दिया जाएगा, कितने दिन का तुम्हें अवसर दिया जाता है, तुम अपने रिस्ट्रक्चर कर लो, और इसमें जो सिक यूनिट है जिनकी रिवाइवल होने की संभावना है उनको भी इसमें लिया है, ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दिशा में हमारा सकारात्मक कदम बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। स्टार्टअप की दृष्टि से हमने पीएमएजीपी का उपयोग किया है, हमने एक नई योजना शुरू की है, वह योजना है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर। इसमें जो भी इनोवेटिव आइडिया है हमने लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से और टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से इसको भी हमने कराने का प्रयास किया है, ताकि छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप को हम विकसित करें और आगे चलकर एमएसएमई पूरे देश भर में छा जाए, इस स्वरूप को हम सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोगों ने इन विषयों पर निश्चित विचार किया होगा, मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे कहा विनोद जी ने कि आपको जो बोलना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप बोलिए, तो ये मैंने आपके बीच में रखा। हो सकता है कि आपके अनुकूल शायद सारी बातें ना आई हों, लेकिन मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ, आपके प्रति मेरी निष्ठा है, आपके प्रति मेरी निष्ठा है, इसलिए निष्ठा है कि मैं अनुभव व्यक्तिगत करता हूँ, व्यक्तिगत मैं हृदय से कह रहा हूँ आपको, मैं कोई बनावटी भाषा नहीं बोलता हूँ, मैं हृदय से अनुभव करता हूँ कि अगर आज हमारा एमएसएमई इतने भयंकर जटिलता में अपनी दृढ़ता के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयत्नशील है, तो ऐसे लोगों का तो चरण वंदन करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए।
ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। उस मान्यता के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी योजनाएं हैं आप उसको करने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे द्वारा जितना प्रयत्न हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा, सहयोग करूंगा। जो भी ग्रीवांसेज आते हैं हम अपने अधिकारियों को लगा दिए हैं, ऑनलाइन हो गया है, उसका भी निराकरण हो, उसमें ढिलाई हो रही थी इसका निराकरण हो, ये भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं स्वयं ये कोशिश कर रहा हूँ, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, ये भी मैं स्वयं प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं भी 15 दिन में, महीने भर में एक बार बैठूँ ताकि लोगों की बातों को सुनूँ और उसका मैं जवाब दूँ। ये हमारा प्रयास है ताकि हर जगह ट्रांसपेरेंसी भी बने और आपके मन के अंदर एक उत्साह का वर्धन हो। यही बात कहते हुए आप सबों ने मुझे सुना, इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।